मैं हूँ रिमझिम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल एक्टिविटी रूम में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट एक राखी रस्सी का क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको पता ही होगा कि मैंने बहुत पहले इसके ऊपर वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको कहानी क्या है वो बताया है, और अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल में जाइए, वहाँ पर आप सर्च कीजिए राखी रस्सी बाय एक्टिविटी रूम, आपको तब भी मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे, क तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे, ख तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। तो आपको इस पर पहले बताना है कि जो तिब्बत के मंत्री थे वो अपने बेटे से किस किस क्या सोच के वो परेशान हो जाते थे अपने बेटे के लिए, और ख हमें बताना है कि अगर हम उनकी जगह होते तो हम उसका क्या उपाय करते। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क। तो क है, कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे, कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबा ना दे, वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, कहीं कोई लड़की उससे शादी ना करने को तैयार हो, आदि आदि। यानी उसमें ये सोच सोच के जैसे कि परेशान हो जाते थे तिब्बत के मंत्री कि उसके जो बेटा है वो बहुत भोला है तो उसे कोई मूर्ख बना ना दे, जैसे कि उसका उसके मूर्ख जैसे कि भोलापन का कहीं अत्यधिक उपयोग ना कोई कर ले, और उससे कोई लड़की अगर कोई शादी नहीं करेगी तो उसका जीवन कैसे चलेगा, यानी यही सोच सोच के वो परेशान हो जाते थे। और ख था हमारा, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो तुम क्या उपाय करते। तो आप इसे अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अपनी भाषा में आपको जैसे समझ में आता है वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे आपको देख रखा है आप वहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हो। तो हम लिखते हैं पहले, मैं रोज़ उसको अपने पास बिठाकर दुनियादारी समझाती या फिर समझाता, उसे पढ़ाता लिखाता, उससे सवाल जवाब करती, उसकी परीक्षा लेती या लेता। तो इसमें सिंपल है, ऐसे उसको बैठा के दुनियादारी समझाएंगे कि थोड़ा बहुत समझ जाए कि ऐसा ऐसा होता है इस दुनिया में, और पढ़ाती लिखाती उसको ऐसे कि पता चलता कि इसको पढ़ाती लिखाती और उसको सवाल जवाब करती है, परीक्षा लेती। आप इसको मैंने सिंपल वर्ड में लिखा है, इसमें अगर आप चाहे तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। दूसरा है शहर की तरफ से प्रश्न एक, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, क मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था, ख उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा, ग तुम्हारे घर में बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करें, आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो कि दूसरे जगह जाकर बस गया हो, उससे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वह अपने निर्णय से खुश है, क्यों क्या पुरुष क्यों एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे से बात करें, यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो आप ये ग क्वेश्चन खुद से ही कर लेना, क्योंकि इसमें मुझे कुछ समझ भी नहीं रहा था कि मैं क्या लिखूं और क्या नहीं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है ऐसे ही। तो हम जो क है ख है उसे देख लेते हैं, तो क्यों भेजा। तो क है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर में इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। ख था हमारा, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा, ख का उत्तर है, शहर के लोग ज़्यादातर होशियार सूझबूझ वाले होते हैं, ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन सकता है, इसी कारण उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा। गो आप खुद ही कर लीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को हेल्पफुल ये रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेन चीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही कहना था आज इसकी वीडियो में। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।